अपने ही 5 बच्चों की माँ को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। आखिर इसने ऐसा क्यों किया? जड़ा ना इस वजह से मेरा झगड़ा है, मैं ना उन्होंने 2 पेट ठुडे मार बैठा वा। पेट च? हाँ जी। उसके वालदा नु दसिया सी सर मामला? नहीं सर जी, जो ले फिर उदो नहीं दसिया, इस वास्ते कि मैं डर गया ही, मैं घाटा वाधा हो गया। तो फिर उन्होंने बच्चों का नहीं सोचा? अड्डी बेदर्दी के नाल अपनी बीवी नू कतल कर दिता ही, बच्चियों को माँ खो लीती, और तेरी गैरत जागी 1.5 साल बाद। हाँ, खुद तो अब हवालात के अंदर है, लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि इसके बच्चों का अब क्या बनेगा, बच्चे किसके सहारे पे छोड़ के आया। असल में इसने अपनी बीवी का कत्ल तो किया ही किया है, साथ में इसने उन 5 बच्चों का भी कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आका मेज़बान नईम भट्टी, और आप देख रहे हैं 1 पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वो जालिम और सफाक शोहर मौजूद है जिसने अपने ही 5 बच्चों की माँ को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। आखिर इसने ऐसा क्यों किया, इससे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, शादी कितनी देर हो गई है? शादी 22-23 साल हो चला। कितने बच्चे से? 5 बच्चे ने। की वजह बनी कि अपनी बीवी ने बड़ी बेदर्दी के नाल तो कत्ल कर दिया? सर जी, मैं ना उन्होंने लोगों के घर काम करते ही, तो हूँ मना करता ही काम करने को, इसलिए कि उन्हें बच्चियाँ भी काम तो लवाइया है ना। लोगों के घर काम करती थी? हाँ जी। कितनी देर तो कर रही थी? उन तकरीबन 1.5 साल हो चला ही, तो इस दौरान वे 1.5 साल तो कर रही थी। हाँ जी। पैसे ले आगे तेनों दें? घर ही लिया सर। घर ही लैके आ? तू की काम करना? मैं लेंटर बनाई का काम करना। अच्छा, फिर? तो सर जी, मैं ना उन्होंने डकदा ही, मैं छड़ दे काम, लोग गल करते हैं जो कि कहते सर जी सच्चाई, मैं तो उही तुहानू दसन डिया वा। अच्छा। पहले तो कहते चल ठीक है, मैं नहीं करती, तो मुड़ के ना वो तकरीबन ना को 10 दिन बाद लियाइए पैसे, तो मैं उन्होंने पूछा, मैं कहते ने दस दिए कि मैं फलाने घरों लैके आई, मैं जो मैं तेन डकया जी तू रहा काम, चलो बच्चियाँ भी लगियाँ, तू तू छड़ दे काम, इन्हों कर देने 1.5 साल तो काम कर रही थी, उदों नहीं रोकिया? सर जी, इस दौरान बहुत लोग जलील करते हैं, बेइज्जत करते हैं, गल्ला करते। 1.5 साल तू काम कर रही थी ना? हाँ जी। पैसे घर बह कमाई खा रहा सर जी? मैं खुद भी कमाता ही, लेंटर भराई का काम करना वा। 1.5 साल बाद गए जाग गई? सर जी, लोग गल्ला कर दें, नहीं है गल जो मानते कि वह फलाना जी काम का गरीब का घराने का तलक है मेरा। अच्छा। तो समझ लो कि गरीब का हर कोई दुश्मनी है, सज्जन तो कोई नहीं है भी। मैं जोड़ा ना उन्होंने मना कर दिता, इस वास्ते कि चल तू छड़ दे, बच्चियाँ काम कर दी भैन, तो रहन दे तू। सर जी, वो फिर कि नाल लियाइए पैसे, तो मैं उन्होंने पूछा, मैं कह दे, उन्हें दसाया कि मैं फलाने घरों लिया, मैं जी तो तेन मना ही किया, रहन दे तू। अच्छा। तो फिर जोड़ा ना इस वजह से मेरा झगड़ा है, मैं ना उन्होंने 2 पेट ठूडे मार बैठा वा। पेट च? हाँ जी। पेट के बच्चे मारना? हाँ जी। तो वो ना मेदे की भी दर्द सी, उन्होंने तो वो जोड़ा ना उनका पेट खराब हो गया, मैं सोच पैनी शुरू हो गई थी, तो लई फिर हस्पताल में, मैं 36-37 घंटे जोड़ा ना ले फिर मैं दवाइया शवाइया टीके शीके, तो ड्रिप ड्रुप भी लवादा रहा। हॉस्पिटल खुद लै गया? हाँ जी। अच्छा, फिर? सर जी के नाल फिर जोड़ा ना तकरीबन रात का टाइम से, मैं अजाना टाइम, तो उस दौरान बेच ना उनकी फौत भी हो गई। नहीं सर जी, जो ले फिर उदो नहीं दसिया, इस वास्ते कि मैं डर गया ही, मैं घाटा वाधा हो गया, तो फिर उन्होंने पढ़िया किस तरह गया? मैं खुद पेश हुआ सर। खुद पेश हुए? हाँ जी। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद? हाँ जी। बच्चों का नहीं सोचा? बोलता नहीं, बच्चों का नहीं सोचा? बच्चे कितने सारे छड़े ने? बच्चे सर जी मेरे सहरे ला गए, सुराल वाले तो लै गए ने ना, जाहरी गल है, लेकिन कितने सारे छड़ गए? सोचिया नहीं कि उन्होंने की मुस्तकबिल होगा, की फ्यूचर होगा? बच्चों अड्डी बेदर्दी के नाल अपनी बीवी ने कतल कर दिता ही, बच्चों को माँ खो लीती, और तेरी गैरत जागी 1.5 साल बाद। हाँ, बोलता नहीं। हाँ जी, गलती हो गई, बहुत बड़ा गड़ा है, मैं खुद मुँह मानना वा, बाकी ये वे कि मैंने हम माफ़ी मिल जाए, चलो मैं बच्चों का जरा मुस्तकबल सवार काम आ जावगा उन्होंने। अच्छा, की होना चाहिए? सर जी, मैं तो मुस्तकबिल सवारना। हाँ जी, चलो बच्चे ये सोच पहले नहीं आई कि उसकी माँ की उन्होंने बच्चों की माँ को कतल कर रहा है, उस टाइम में सोच नहीं आई? सर जी, गुस्से दे तो उन्होंने मुस्तकबिल सवारना। गुस्से दे विच आके सर जी काम कर, गुस्से दे विच आके
कोई जिरगा बिठा लेंदा कोई वड्डे बिठा लेंदा उन्होंने समझाते लेकिन तू उत्थे अपनी अदालत खुद ही लगा दे। बोल दे नहीं हूँ सर जी मैं चलो मार बैठा वा अगो रब की करनी ही मैं अगर उन्होंने तकलीफ जी नहीं कंट्रोल हुई अच्छी आए नहीं मिलन नहीं सर जी वो मेरे सहरे को नहीं मिलन देते दे। ये हालात हैं जी नाजिन के आप देख लें कि अब शर्मिंदगी और नदामत चेहरे पे है और कह रहा है कि पछतावा है और हथकड़ियाँ लगी हुई हैं लेकिन इसने पहले नहीं सोचा इसने अपने ही बच्चों की माँ को जो है बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया और अपनी बीवी को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया और बता रहा है कि उसके पेट में इसने टांगे मारी हैं खुद तो अब हवालात के अंदर है लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि इसके बच्चों का अब क्या बनेगा बच्चे किसके सहारे पर छोड़ के आया असल में इसने अपनी बीवी का कत्ल तो किया ही किया है साथ में इसने उन पांच बच्चों का भी कत्ल कर दिया यानी कि वो किसके सहारे पे रहेंगे उनका क्या फ्यूचर होगा और अब बता रहा है कि गुस्से के अंदर आके कि ये सारा मामला इसने किया है खुद तो ये हवालात के अंदर है नहाएगा धोएगा लेकिन इसने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा और गुस्से के अंदर आके इसने ये कदम उठा लिया गुस्सा नाज़रीन हराम है तो लिहाजा गुस्से से बचें और कोई भी मामला हो वो घर के अंदर बैठ के एक जिरगा बिठाएं बड़ों को बिठाएं उसको अच्छे तरीके से और अहसन तरीके से उसको जो है निमटाएं बजाय कि आप गुस्से के अंदर आगे कोई गलत इकदाम कर लें फिर उसके बाद नतीजा फिर ये होता है तो खुदारा गुस्सा जो है हराम है इससे बचें बहुत शुक्रिया।